क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश, वेलकम टू द थगेश शो Season 1 Episode 8। नाउ आप लोग सोचते होंगे कि थगेश शो के एपिसोड्स इतने जल्दी जल्दी कैसे आ रहे हैं। वो क्या है ना, मुझे खुद सलमान खान का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बोला कि अगले महीने वापस बिग बॉस चालू हो रहा है, तो वो नहीं चाहते कि दो बड़े शोज एक साथ क्लैश हो। जोक्स अपार्ट कर दिए तो शो में कुछ बचेगा ही नहीं। बट ऑनेस्टली आप लोग सोचते होंगे कि भाई एपिसोड्स क्यों लेट आते हैं, बट समझा करो, मुझे डेट्स नहीं मिलती खुद की, ठीक है। गेस्ट तो रोज सुबह आके बैठ जाते हैं कि हमको ट्रेंडिंग पेज पे जाने का है, लेके चलो। चलो अब गेस्ट की बात चल ही रही है तो बात करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट की। पहले जो हमारे गेस्ट है ना, वो सिर्फ मोटो व्लॉगिंग सीन के नहीं, यूट्यूब सीन के OG है। यस, एंड इनकी वजह से ना मुंबई में क्राइम रेट्स कम हो गए। चोर लोग डरते कि CCTV में आए ना आए, इनके गोपरों में जरूर आ जाएंगे। अगेन जो हमारे सेकेंड गेस्ट है, एकदम कट्टर मोटो व्लॉगर है, मतलब इनको अगर बोलो ना कि कंप्यूटर चालू करो, उसमें भी इग्निशन बटन ढूंढेंगे। एंड जो हमारे तीसरे गेस्ट है, इन्होंने बाइक पे रास्तों के साथ साथ अपनी जिंदगी के अलग अलग फेजेस में भी ट्रैवल किया है। सो गाइज प्लीज वेलकम द OGs ऑफ यूट्यूब मोटो व्लॉगिंग सीन, मुंबई का निखिल, MSK Vlogs and Judd Prabjot. भाई लोग फाइनली कर रहे हैं हम लोग ये एपिसोड। फाइनली निखिल भाई की बात करें, निखिल भाई अगर आपको नहीं पता तो कश्मीर से कन्याकुमारी जब पहली राइड की थी उससे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। मतलब बहुत मेहनत तो लगी होगी सबके फोन छीन के सब्सक्राइब कराने में। कराता था मैं, वही करता था एक्चुअली, झूठ के बोल वही करता था। जट भाई हर दूसरे वीडियो का इनका टाइटल होता है एक्सीडेंट हो गया, और हर तीसरे वीडियो में कहीं ना कहीं जाके गिरता है। मतलब ये यूट्यूबर कम इंश्योरेंस एजेंट ज्यादा लग रहा है। भाई एक्सीडेंट रियलिटी में हो गया ना, इसलिए मैंने सोचा कि उससे व्यूज आया तो हर टाइटल में वही देखे। ये हुआ ना यूट्यूबर। बट अगर आपको नहीं पता तो जट भाई के लिए रिस्पेक्ट है, उन्होंने एक रैप सॉन्ग भी प्रोड्यूस किया था। मतलब इससे प्रूव होता है कि अगर आप में मेहनत है, आप में लगन है, तो आप दो दो कैटेगरी एक साथ खराब कर सकते हो, ब्लॉगिंग रैपिंग दोनों। तभी उसके बाद मैंने दूसरा नहीं निकाला। MSK भाई देखो, हमारे पेरेंट्स हमेशा निखिल भाई बोलते हैं ना कि हमने हमारे ज़माने में बहुत मेहनत की थी, झूठ बोलते हैं बहुत बार, आपने नोटिस किया है। बट सलीम भाई वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उनका पूरा करियर यूट्यूब पे है ना, दिख जाएगा मेहनत तो है ही नहीं। ये बात तो एकदम सही बोली है। निखिल भाई अगर आपको नहीं पता गाइस, होटल मैनेजमेंट से शुरुआत की थी करियर की, उसके बाद कतार एयरवेज में कैबिन क्रू में थे आप, उसके बाद आपने बाइक राइडिंग शुरू की, मोटो व्लॉगिंग शुरू की। मतलब एयरवेज हो गया, हाईवेज हो गया, अभी वाटरवेज बचा है। वाटरवेज में भी ट्राई किया थाईलैंड में, जमा नहीं। क्या किया था? डीप सी डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करने की कोशिश की थी। हाँ। लेकिन जमा नहीं। स्विमिंग जो कतार में सीखी थी अभी भूल गया। अरे बहुत डेंजर होता है, मैंने भी फिशिंग करने को मिलता था, अभी शादी कर फिशिंग करने को नहीं मिलता ना। हाँ। तो कोई और करियर ऑप्शन में जाने का कुछ है अभी विचार? कॉन्टेंट क्रिएशन में हाँ, मुझे जो आप कर रहे हो वो करने का बहुत शौक है, तो आपका जॉब खतरे में डालने का सोच। Just joking, you're doing a fantastic job. Thank you, yaar. सस्ता और लंबा शेखर सुमन लग रहे हो। रोस्ट खत्म हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, खत्म हो गया रोस्ट, ठीक है। बट जो भी करो, तेरा भाई मुंबई कर पार्ट 2 मत बनाना, ठीक है, बाकी सब चीज। प्रभजोत भाई आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? इंजीनियर था। तो मतलब घर पे आपने बोला था कि आप, हुआ क्या था मेरे साथ, तो मैंने नई नई ड्यूक ली थी 390, भाई को देखा, भाई लद्दाख गए, बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाए, मैं भाई मैं भी बनाऊंगा। हाँ। तो अब घर वाले जाने तो दे नहीं सकते थे, कहाँ जाएगा जॉब कर रहा है। मैंने बोला अहमदाबाद जा रहा हूँ 15-16 दिन के लिए, फिर फोन वोन हो सकता है बीच में ना लगे, क्योंकि बेसमेंट में ऑफिस। ओके। जब वापस आया भाई, टैनिंग तगड़ी वाली,
तो जल जाता। हाँ बिल्कुल जली हुई स्किन। कह रहे ऐसा कौन सा ऑफिस था जो पूरा जल गया? कोई दिक्कत नहीं, मैंने व्लॉग बना बना के डाले, कोई देखता तो था नहीं, 50-60 व्यू आते थे, वो भी मुश्किल से, मैं ही सब्जी वालों के फोन ले लेके कोई तो देख लो, कोई तो देख लो, सबके जो आसपास मिलता था। बाय चांस एक कस्टमर ने देख लिया शॉप के, और वो आया कह रहा भाई तेरा लद्दाख वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा। पापा सामने खड़े व्लॉग, हाँ इसने वीडियो डाली है ना लद्दाख गया था, पापा मेरी शक्ल देखे, पापा उसी टाइम समझ गए कि जो 15-16 दिन गायब था ये भाई साहब लद्दाख घूम रहा था। उसके बाद जो धुनाई हुई मेरी कि बता के जाया कर ये है वो है, लेकिन वो पापा ने व्लॉग देखे, पापा ने उसके व्लॉग देखे। अच्छा अच्छा, वरना मैंने बोला जेएस टीम ना समझ गए। मैंने उसके बाद पापा ने व्लॉग देखे, ये वाला बढ़िया था। एमएसके भाई की जर्नी बहुत देखा आपने, कितनी यूनिक है। पहले इनको क्रिकेटर बनना था, फिर एक्टर बनना था, मतलब ऑडिशंस वगैरह में तो आप जाते ही रहेंगे ना? हाँ जाता था ना। क्या एक्सपीरियंस था ऑडिशंस में? यार बहुत ही बकवास। इतना बकवास, आई फील यू ब्रो, बकवास भी बकवास है। क्यों बकवास? क्योंकि वो तुम्हारे आत्मसम्मान पे चोट लगता था जब तुम्हें बहुत वेट करवाया जाता है वहां पर और फिर बोला जाता नॉट फिट। अभी जो हमारे कमेंट सेक्शन में जो लोग पूजा करते हैं उसका क्या? वो भी तो एकदम हैबिट सा हो गया। वो क्या हो गया भाई? थगेश को लोग कुछ और ही लिखते हैं। हाँ यार, आत्मसम्मान पे चोट लगती है। महेश ब्रोकर बना दिया सीधी भाषा में। कमेंट वाला जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन ऐसा पर्सनली मेरे साथ एक बार हुआ था। आइडिया का ऐड था तो मैं वहाँ पर गया था, 3 घंटा मैं वेट कर रहा था, और उस टाइम पे मैं बिजनेस कर रहा था, फट्टे पैसे कमा रहा था, और मुझे पता है कि मेरी 1 घंटे की वैल्यू क्या है। वहाँ पर 3 घंटा वेट किया मैंने, और फिर जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आके बोलती है नॉट फिट। मैंने बोला बहुत बढ़िया किया। तो वैसे काफ़ी ऑडिशन दिए थे, फिर मैंने उसके बाद नहीं दिया ऑडिशन। उसके बाद सोचा कि मैं खुद का ही कुछ करूँगा, मतलब अपने अंदर इतना घुटा है कि खुद कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं, एक हमारा स्टार सेगमेंट है शो का जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, व्हाट इफ यू वेयर अ मीम। दरवाजे से क्यों जा रहा है? तोड़ सकता है, खिड़की से जा। अभी दूसरा ऑप्शन है नहीं, मतलब सीआरएफ से बड़ी ऑप्शन यही है, क्योंकि सीआरएफ पे आप अरे वाह क्या लग रहा है, फ्लाइंग जेट, सो गुड मैन। कि आज हमने अंकित को कर लिया किडनैप, आज किडनैप भी ऐसा करना। हमने अकेली है, मैं आराम से ले लूं बैग वैग, आऊंगा टेंशन नहीं रहेगी भाई, स्क्रैच व्रैच पड़ेंगे तो भाई। स्टैंड लगा हुआ था तुम्हारा? तो खुद स्टैंड लगा के चला रहे हो, तुम बोल कैसे रहते मेरे को कि रुक साइड पे लगा। बोलने की तमीज है कि नहीं है? शायद अगर आज मेरे पैर ठीक होते तो मैं उठ के उसको चाटा वाटा ही मार देता बाहर। अपनी जाएगी ना आज, तेरा भाई आया। राउंड मार के आ रहा, फिर दोबारा फोन करता हूँ। और बस कर दे मेरे भाई, बस कर दे धन भाई, छोड़ो यार। देखो वो डायलॉग सुना, दीवार पे सर मार के अपना ही सर फूटता है। हाँ तो ये दीवार है। भाई मुझे ये बताओ, ऐसे मीटअप का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। ओह माय गॉड, किया का भाई, किसने बनाया? भाई कसम से आंसू आ गए यार मेरे। यार इतना बढ़िया यार, अपना रील में डालना भाई यार। मजा आ गया यार। थैंक यू भाई। एनीवेज नेक्स्ट मीम, उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर। पर बॉडी बनने का टाइम ज्यादा गड़बड़ हो गया है, अभी समझ नहीं आ रहा है ऑडियंस को मैनेज कैसे करें, बड़ा भी कोशिश कर रहा हूं। ये बढ़िया भैया, चार दीवारी में बैठकर एडिटिंग करते करते जो दिमाग के कि हम पिएंगे चाय। हनीमान सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी से आके बात करता हूँ। अब बोल कौन है तू? शादी होगा, बच्चे होंगे, ये होगा, फिर वो होगा। मेरे व्लॉग में कोई भी लड़की आती है गर्लफ्रेंड है। का बवाल चीज है। तुम्हारी चट्टी बाहुबली चढ़ाई तो सैनिक अब शकुन मानेंगे। हाँ युवराज गुरु, ये अच्छा था गुरु। भाई साहब की बात, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, हम तो अच्छे इंटेंशन से आए थे कि लोगों को देंगे। नहीं बच्ची, जो गंगाधर है वो गंगाधर है, गंगाधर शक्तिमान नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ ब्रो, ये आ गए हम लोग पेंडोरा।
हवा में भाई, हवा में पहाड़ है। वी आर ऑफिशियली इन पेंडोरा। सभी को ईद का चांद मुबारक हो। तो अगर नंगी आंखों से देखोगे तो ज्यादा भीड़ हो गया। तो मेरे साथ मुझे कोई मार नहीं सकता मामा। भाई क्या बता रहे हो, अच्छा लग रहा है भाई। तो पैसा देके भी कराना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलो फाइनल मीम की ओर बढ़ते। मैंने कहा था ना, चोर भागोगे पकड़ लूं। तू गाड़ी हटा इधर से, सीधे लगा दो गाड़ी करके नहीं जगह, गाड़ी करके नहीं जगह। कौन सा कंपनी में काम करता बता। दिस इज लाइक द एंड ऑफ मरीन ड्राइव, वी कॉल इट नरीमन पॉइंट। कपल्स दे गो टू गो ओवर देयर टू मेक आउट एंड मेनी डाइड। फेस वॉश तो हम हर दिन ही करते हैं, कुछ कुछ लोग दिन में दो तीन बार। फेस वॉश अपने मुंह पे लगाना है। मेरी माँ बोलती कब्जा मार के बैठा था पुराने घर में, ना भाड़ा लेने देता ना कुछ करता था। तेरा भाई, तेरा भाई, घोड़ी में हम जाएंगे BMW बाइक पे। सही जा रहा हूँ कि नहीं, सही जा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं कौन सी गली गली में से लेके चले गए। तो बसर्ड इन 2000 हो रही है। जिस बात का डर था वही हो गया। ये कुछ ऐसा डेजेंट टाइप आग भाई। ज़्यादा हंस दिया भाई, जिंदगी में मीमर लोग चाहिए यार। हाँ यार, हाँ भाई, ऐसे मीम देखना अच्छा लगता है यार। और अपना स्पेशली अपना होता फिर तो और मजा आ जाता है, और मजा आता है। अरे अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास है लेयर्स की कुछ कस्टमाइज स्किन आप लोगों के फोन्स के लिए। ये लेयर्स का ब्रांड न्यू वांडरलस्ट कलेक्शन है, बिकॉज आप लोग ट्रैवलर्स हो तो स्पेशली ये आपके लिए है। बट ये स्किन आपके फोन पे लगाने से पहले मुझे आप लोगों की कुछ फन ट्रैवल स्टोरीज चाहिए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक स्टोरी निकालना, लेकिन कोई भी एक निकल भाई। अभी रिसेंटली मैं US कनाडा ट्रिप मार रहा था, तो अच्छी अच्छी चीज तो बहुत होती है, यू नो, अच्छी अच्छी लेक दिख जाती है, पहाड़ दिख जाते हैं, लड़कियां दिख जाती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। वो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत यूनिक चीज दिखती है, लेकिन अब एक ऐसी चीज होती है जो कि दोनों भाई समझेंगे। तो हम निकले, मैं और मेरा फ्रेंड हैप्पी सिंह, प्रिंस रिचर्ड था, विलियम था, वो याद नहीं, पर वहाँ से निकले हम कैलगरी के लिए। हम वहाँ से जा रहे थे, हमने वेदर को हाईली अंडर एस्टिमेट किया कि हमको लगा था हम तो 12-14 डिग्री में चले गए, हम तो कर लेंगे। उस टाइम उस दिन हमको सूरज देवता की पावर का एहसास हुआ, वैल्यू का एहसास हुआ, क्योंकि हम जब वो रॉकी से जा रहे थे वो 12 डिग्री हो गए 0 डिग्री, और हम जो गप 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 बातें कर रहे थे, और मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ऐसे होता है अंदर। बीच में हम रुके और मेरे सब डिवाइसेस चार्ज हो रहे थे, तो मुझे इतना सुसु करने रुके थे, इतना लीजी लग रहा था कि मैंने बाइक ही नहीं बंद की। ओके वाला कौन बंद करेगा, नहीं बंद करना, गरम गरम चीज नहीं। और हम कैसे था, आपके जब बैठे रहते हो ना घंटों, तो आपके जॉइंट रगड़ जाते हैं। हाँ। तो जब मैं चढ़ने गया ना ऐसे, और मैंने फुट पे में पैर रखा, बूट्स रहते, तो चढ़ने गया और मेरा गियर गलती से फर्स्ट गियर में आ गया, और ढुड़ बाइक गिर गई। तो जब मैंने अपने भाई का, हैप्पी भाई का लुक देखा, मतलब वो ऐसा ऐसा था, ऐसा था ना कि मतलब उसने आंखों में मुझे इतनी गालियां दे दी ना। हाँ। कि बस ये काम रह गया था और कुछ नहीं बचा। 350-400 किलो की बाइक उठाए लोडेड लोड के साथ, और वो जब मैं उठा रहा था उनका चेहरा देख रहा था ना, तो मैं बहुत हंसने लगा। और वहां से लेके जब मैं कैलगरी तक गया, मैं हंसी रहा हूं। इसके लाइफ में तो होंगे ट्रेजेडी में कॉमेडी। अभी रिसेंट मैंने नेपाल राइड करी, मैं S2 चला रहा था और मेरे साथ साहिबा थी, ये 1250 चला रही थी, 350 किलो की बाइक। टर्न आया हमारा, इंटरकॉम कनेक्ट था, मैंने बोला टर्न आ रहे बड़े कैची होते ना एकदम से ऐसे। हाँ। कैची वाले तो देख कर आना। कह रही हाँ ठीक है। मैं आऊँगा 300-400 मीटर आगे, मेरे को लास्ट आवाज़ सुनाई दी, गई। अरे यार। सिर्फ इतना सुनाई दे इंटरकॉम में, गई। उसके बाद हेलो, मैं कहाँ गई, हेलो। मेरे को लगा शायद पहाड़ से नीचे गई। क्योंकि गई के बाद कुछ आई नहीं रहा ना आगे। क्योंकि हेलमेट तो पहना हुआ है, अब ऐसे भी मेरे को लगा कि हाँ बाइक गिरी है, लेकिन ऐसे भी कैसे गिरी है कि उसके बाद आवाज ही नहीं आ रही। मैंने बाइक फटाफट से यू टर्न मारा, मतलब भाई कहाँ गई। 200-300 मीटर देखा, 4-5 बंदे बाइक उठा रहे हैं और ये साइड में खड़ी ऐसे दिख रही है। मतलब क्या हुआ, कह रही बाइक गई। तो मतलब आगे भी तो बताना होता ना। फिर उसके बाद तो तुम्हारी आवाज ही नहीं आई। मैं
कुछ लगी तो नहीं? कह रही नहीं, आपने बताया था ना जैसी बाइक गिरने लगे कूद जाओ, बाइक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। और भाई तब मेरी जान में जान आई, और वो ऐसा मोमेंट था ना, फिर मैंने बोला, मतलब भाई गई नहीं बोलना था, कुछ आगे बताना होता ना, गिरते गिरते कुछ तो बताती, बाइक इधर गिर गई उधर गिर गई, साइड में नाली भी थी, बच गई। नाली से तो आपको थोड़ा, नाली से तो मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि मुंबई वाले कुछ और बोलते, लग गई लग गई लग भी लगा था, लग गई लग गई। सलीम भाई तो मनाली में थे, हम वीडियो अपलोड करने के लिए मैं गया साइबर कैफे, ओके वहाँ मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सत्य गया, चल तू जब तक वीडियो अपलोड करता है मैं मोमोज खा के आता हूँ। तो उसके साथ और एक दोस्त था जय, हाँ। तो इन लोग गए मोमोज खाने के लिए, और वहाँ मनाली में मसाज वाले होते हैं, वो मसाज वाला आया, बोलते हैं मसाज करा लो, नहीं कराना मसाज, बोलते हैं करा लो करा लो। तो जब तुम्हारे सर पे कोई चढ़ जाता तो क्या बोलता, अरे बैठ जाए इधर ही तू, वो उधर बैठ गया। सत्य के इधर पे बैठ गया, वो भी ढीठ, वो भी थोड़ा उधर नॉर्थ साइड का, हाँ। उठाया चाट चाट चाट, इतना मारा उसका, कड़ा था सोने का, वो टेढ़ा हो गया। सत्या मार के आया, मैं अभी अपन क्या एकदम सच्ची दोस्ती, बोलता लड़ाई हो गई थी यार, मार दिया उसको मैंने, बोला क्या अकेला मारा मैं, चल वापस मैं हूँ, ये मुंबई एटीट्यूड, ये मुंबई वाला मुंबई एटीट्यूड, हाँ। बोलते नहीं रहे हो गए, संभाल लिया मैंने, संभाल लिया ना, चल ठीक है। हम ऐसे वॉक करते करते मॉल रोड से आगे निकले, और पीछे से 40-50 लोग भाग के आ रहे, हाथ में डंडे, हैंडपंप नहीं मिला उधर, क्या बात कर रहे हो, हैंडपंप नहीं था, गदर भी आई हुआ था, सब घेर लिए। अब हमें पता है कि मार पड़ने वाली है, अंदर से तो इतनी फट रही है कि भाई अब तो गए, पहले जो बोल रहा था मार के आता हूँ मार के आता, अब कर कुछ, कैमरा नहीं निकला, मरवा के आता हूँ। गाइस आज आप कुछ अलग देखने वाले हो, भाई को पिटता हुआ देखने वाले, कर लेना चाहिए था व्लॉग, बहुत व्यूज आते हैं। जो मारने आया था ना उसको कैमरा पकड़ाया था, मार ले लेकिन ये व्लॉग बना, कम से कम कंटेंट तो निकल जाएगा, नहीं, 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 कम से कम ट्रीटमेंट का खर्चा निकल जाएगा, ट्रीटमेंट मैं कह रहा हूँ आने जाने का पूरे टूर का निकल जाता उस व्लॉग, और वो बराबर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में ही डालना होता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें पता है कि निकलना कैसे है, तो मैंने एक को पकड़ लिया, अब मुझे ये दिख गया मेरा शिकार, पीछे से चाहे कितने भी लोग मारे मैं इसको ही मारूंगा, ये हमारा रूल है। तो वो एक लड़का सत्य के पास आया, बोलता यही लड़का था, तो जब सत्य से बात कर रहा था मैं उसके बीच में आ गया, उसको मैंने पकड़ लिया, फिर सत्य के पास कोई और हो गया, तो हम लोग बोल रहे थे अब क्या करना है, मारना है या बात करना है, हाँ। मारना है तो बोल रेडी है, वो भी अपने हिसाब से वहां समझा रहा है, मैं भी अपने हिसाब से यहाँ समझा रहा हूँ, और अंदर से तो वहां तो हम चौड़े बने हुए थे, अंदर से भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, अंदर से लग गई, अब करे तो करे क्या। लेकिन उस टाइम में वो जो डेयरिंग थी ना उसी ने बचाया, और जैसे ये सब हो रहा था पब्लिक घेर रही थी और बात आगे बढ़ने वाली थी, वहाँ से प्यार सिंह जी आ गए, तो वहाँ के लोकल है वो आए, उन्होंने सबको भगा दिया, और फिर वहाँ से हम लोग बोले जान छूटी बचे। भाई लेकिन ब्लॉग में डालना चाहिए था, ये मुंबई वाला करके नहीं डाला, डालना था, और वो पुलिस स्टेशन में तो ब्लॉग करना था, टाइटल था यार, अगर दिल्ली का होता तो कर लेता, दिल्ली वाले कुछ भी कर सकते भाई व्यूज के लिए, कुछ भी कहीं तक भी जा सकते हैं, हमें दूर से पुलिस भी दिखती है ना, सबसे पहले कैमरा ऑन करते हैं, फिर पास से निकल जाना, अगर वो नहीं भी रोकती तो ऐसा कैमरा होता है रोक, भाई अब तो रोक ले कम से कम। नहीं इस मामले में तो मेरा जो एरिया है ना दिल्ली में, अभी तो आप लोगों को नहीं पता होगा जितने बंदे देख रहे होंगे, करमपुरा है वो एरिया, ऐसा है वो नाम से जाना जाता है, वहां पर तो क्या गाड़ी के नीचे ईंट लगा के टायर निकाल के ले जाते रात को, और अगर बंदा सो रहा हो बाहर मंजी पे तो बंदे को उठा के लेके जाएंगे, मंजी छोड़ देंगे, ये हमारे काम है। तो वो बहुत खतरनाक एरिया है। क्या सीन हुआ था, पैदल जा रहा था मैं, तो एक आंटी चिल्ला रही थी, मेरी सोने की चेन ले गई ले गई ले गई, मैंने देखा नहीं कौन ले गया, मैं वहीं खड़ा हूँ कि हाँ भाई सोने की चेन ले गया, नुकसान हो गया नुकसान हो गया। दो बंदे बाइक पर आए वापसी, आंटी को दो चाटे मारे, आंटी को हाँ दो चाटे मारे, और चेन वापसी उनके मुंह पे मारी, कम से कम चेन तो असली पहन लेती, हमारी मेहनत खराब कर दी, बाइक स्टार्ट करी चले गए। और उसके बाद वो औरत ने अपने पति को कितना ठोका होगा, नकली दिला दी, साला असली देता तो मार तो नहीं खाती, कम से कम मार तो नहीं खाती, मतलब वो भी एक्टिंग कर रही थी कि अब चेन तो चोरी हो गई, कम से कम ये तो ना लगे ना कि भाई नकली पहनी हुई थी, मुझे लगता नहीं उनको पता होगा, नहीं पहचान हो गई। अच्छा गाइज मैं आपके फोन में स्किन्स अप्लाई कर देता हूँ, सलीम भाई आप कौन सी स्किन, ओ येलो येलो वाली, टाइगर से मैच होगा, पास कर देना, थैंक्स। निखिल भाई कौन सा लेंगे, निखिल भाई मैं ब्लैक वाला जाएगा, अच्छा ये दोनों चलेगा, लगा लेते हैं, बढ़िया कौन सा चलेगा, कौन सा वाला चलेगा, ये वाला, हाँ ठीक है। सो अपनी अपनी स्किन सबके पास है, काम करते हैं कंपटीशन करते हैं, अरे कंपटीशन करेंगे, रुको रुको रुको, अरे नहीं अभी तो मैं बता दूं तब स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 पे, ठीक है ठीक है भाई, 3-2-1 गो।
मैं तो प्रो है क्या, इतने एपिसोड से कर रहा है। लेकिन कंपटीशन में ये भी होना चाहिए सबसे बढ़िया किसने लगाया, खाली यही नहीं कि पहले किसने लगाया। अरे थैंक यू भाई। ये मेरा तो हो गया। अरे यार रुको रुको, क्या मोबाइल की दुकान That's what she said. लग तो अच्छा रहा है ना? मेरा तो लग गया। मेरा भी हो गया। मेरा भी भाई, मेरा चेक कर रहा था। अब बताओ भाई सबसे बढ़िया किसका लग रहा है, देख लो भाई। आई थिंक हाँ, मेरे को पता क्या बोलने वाला तू भाई, मैंने देख ली नजरों से पहचान लिया मैंने। इसने तीनों का देखा ना, येलो वाले पे रुकी क्या, ये वाला तो मुझे चाहिए। टेक्सचर कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है मेरे को तो, बढ़िया लगा भाई। कोई मगजमारी नहीं लगाने में, ना गैस पे रखना पड़ रहा है, ना हथौड़ा आरी लेके कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल एप्लीकेशन, रिमूव करने पे कोई रेसिड्यू भी नहीं रहता आपके फोन पे। मैं हर एपिसोड में तारीफ करता हूँ गाइज, आप भी अपना फोन हो या लैपटॉप हो उसका कंप्लीट मेकओवर कर सकते हो। layers.shop पे आपको सारी स्किन्स मिल जाएगी आपके कस्टमाइज्ड फोन या लैपटॉप के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर लेना। सो निखिल भाई, आप शैनिस से पहली बार साउदर्न इंडिया के शूट पे मिले थे। हाँ, बस इसी बात का दुख है। क्या शूट था? इसी बात का दुख है कि उसको उस शूट में मिला, इस बात का दुख नहीं कि उसको मिला। ये नॉर्मली पता है क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया, ये सब देखते हैं ना, लोगों के घर में झगड़े होते हैं, इनका घर बन गया, घर बन गया। ये इसी बात का मुझे बहुत अच्छा है कि उस टाइम मिले। हम लोग की मतलब बनी नहीं थी इतना, वो आई थिंक शी वॉज 18 and a half। अच्छा। और मुझे पसंद नहीं है वो जो आजकल के जो मॉडर्न लड़कियाँ होती हैं, क्या है लोग। हो गया, जम गया। बिकॉज शी हेल्प मी अ लॉट, हमारा रिलेशन इसलिए हुआ बिकॉज शी हेल्प मी अ लॉट गेटिंग लॉट ऑफ ऑडिशंस। लड़कियों के पास बहुत ऑडिशन नंबर होते हैं। हाँ, उसने मुझे बहुत हेल्प कराया और बहुत दो तीन काम दिलवाया उसने। नाइस। जड भाई, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत, शोहरत, तो हर सुबह चप्पल क्यों चुराते हो? सबको पता है जितने ब्लॉग्स देखते हैं आपके। नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मेरे पास जितने भी स्लीपर्स हैं ना, थोड़े कॉस्टली हैं, तो कोई ना कोई मेरी चुरा लेता है, और जब मैं उनसे वापसी मांगता हूँ तो मुझे ही चोर कहते हैं। लेकिन शूज़ का शौक है, मतलब रखी हुई है कलेक्शन अच्छे खासे, उसमें स्लीपर्स भी हैं, और जो मेरे को जैसे बाय चांस आपके मैंने पैर में देख लिया और मुझे अच्छा लगा। हाँ, तो फिर चोरी, तो फिर नहीं, मैं नंगे पैर घर जाऊँगा। बट अच्छा है, नहीं खाने से अच्छा है चुराना, कोई बात नहीं। हाँ, कम से कम घर जा रही है ना, और पैरों में जा रही है। हाँ, कंधे पे नहीं। निखिल भाई का मैंने पहला व्लॉग ऑनेस्टली वो देखा था, भूत वाला देखा था, आर कॉलोनी। वो टाइम तो 800-700 सब्सक्राइबर थे, एंड वो टाइम सब चलता था ना ये। वो टाइम तो मैं भी था, मैं भी गया था आर्य देखने भूत। नहीं, वो टाइम मैं एक्सपेरिमेंट करता था। हाँ, वॉइस ओवर जैसे आपने देखा जो मरीन ड्राइव वाला भी उठाया, शायद वॉइस ओवर वाला ही था, वो एक्सपेरिमेंट करता था, तो आरे वाला भी वो एक्सपेरिमेंटेड ही था, बट इतना अच्छा चल गया, वो मजा आ गया। ऐसे रियल में कभी एक्सपीरियंस हुआ है कोई? रियल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरा, किसी के साथ नहीं हुआ है रियल में, भूत का तो नहीं हुआ है, बट यार भूत नहीं लेकिन भूत का एहसास वाला है कि स्टोरी। शाम का वक्त था, हम लोग लद्दाख से वापस आ रहे थे और बहुत धुंध थी, हम रोहतांग पास में पहुंचे, रोहतांग पास का बोर्ड नहीं दिख रहा था। अब कैसा है कि हमारे पास बुलेट थी और रास्ता दिख नहीं रहा क्योंकि इतना धुंध है, तो सामने जो भी ट्रक्स वाले जा रहे हैं वहाँ से ट्रक के पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रक के पीछे पीछे थोड़ी सी लाइट होती है तो फॉलो कर लेंगे। और रोहतांग पास मतलब उसके नीचे उतरोगे ना, ऐसे 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 पूरे रोड है, बहुत ही डेंजरस है, और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है। और ऐसे चलते 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 आराम आराम से 10-15 की स्पीड में, हमारी जो इंडिकेटर लाइट थी ना जो चलती है बुझती है, उस लाइट से हम आगे जा रहे थे। हेडलाइट चालू करोगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, और हमारा नज़र, हम चला रहे हैं सामने स्ट्रेट सिर्फ ऐसा है। और चलते 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 यहाँ पर एक ऐसा टर्न आया जिसमें पत्थर था, और उस पर मुझे क्या दिखा कि कोई एक औरत बैठी है वाइट साड़ी पहन के। ओके। हाँ, मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये आंखों का छलावा है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैं नहीं देखूंगा वहाँ पर। मतलब वो दिख रहा था कि कुछ तो वाइट है वहाँ पर, एक औरत जैसा है। फिर ये हो गया आगे, और थोड़ा सा और नीचे आए तो फिर राइट साइड में कोई ऐसा चलता हुआ दिख रहा है, और फिर मैंने बोला देख लेते इस बार, ऐसे देखा तो कोई नहीं। और फिर जैसे मैंने ब्रेक मारा, सामने खाड़ी थी, मेरे को देखना ही नहीं चाहिए था वो, मैंने देख लिया। तो फिर वैसे करते 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 नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे आए तो मेरे को यहाँ घोड़े दौड़ते हुए दिख रहे भाई। और हम तीन दोस्त थे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी लोग के साथ नहीं हो रहा होगा, तो मैं किसी को बोलता नहीं, मैं चुपचाप चलते रहता हूँ। ऐसे करते 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 नीचे उतरे, जान में जान आई, और हम लोग मतलब अपने होटल पहुँच के सब शांत है। तो फिर ऐसी बातों बातों में बोले यार मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ था, तो फिर बोलता अरे मेरे साथ भी तो ये हुआ था, तीसरा बोलता मेरे साथ भी तो ये हुआ था। तो मुझे
ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना बहुत सारी डार्क एनर्जीज है, हो सकता है कि तुम भी उस एनर्जी के जोन में हो इसलिए वो शायद दिख रहा है या हो रहा है, बट कोई नुकसान नहीं था, मतलब किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं। कब्रिस्तान है अच्छा, रोहतांग पास के नीचे ना, बहुत पुराना, बहुत पुराना, मतलब आधे लोगों को नहीं पता, पाइल ऑफ डेड बॉडीज, रोहतांग का मतलब पाइल ऑफ डेड बॉडीज है। अच्छा ये होता है, मतलब है, मतलब है, पाइल ऑफ डेड बॉडीज, और बहुत तगड़ा था, और बहुत लोग है भाई, हजारों लाखों होंगे मेरे ख्याल से जो दबे होंगे, जो उसके नीचे दबे होंगे, जो लड़ाई लड़ाई में बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। तो अभी भी कभी रात को जाओ ना, बहुत अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को भाई, मेरे को भी यार। ऐसे पूरा एपिसोड थग लाइफ ही रहा है, बट एक हमारा सेगमेंट भी है थग टॉक्स नाम का, जिसमें आपको अपनी थग लाइफ स्टोरी बतानी है। निखिल भाई, कोई थग स्टोरी आपकी? सो कॉलेज में पढ़ाई में बहुत वीक था मैं, फर्स्ट ईयर का टाइम था, और क्या है ना होटल मैनेजमेंट में उस टाइम, अभी तो ऑनलाइन वॉनलाइन हो जाता है, लेकिन 2007 में ऐसा होता था कि पेपर लीक होते थे। हाँ, और सब कर देते, यू नो, वेरी कॉमन थिंग। और ऐसा होता था कि अगर आप बहुत पैसा दोगे तो आपको मिल जाएगा ओरिजिनल। अच्छा, कम पर पैसा दोगे तो 50% वाला, 30% वाला वो आएगा, तो आपको पढ़ना सब पड़ता था। तो सब डिस्कस कर रहे थे, सब मैं गया पोडियम में, जो क्लासरूम में होता है ना वो पोडियम, लगाइज आई वॉज वेरी फैंटास्टिक आइडिया, क्या क्या ये पागल है, एक कौन है वीक स्टूडेंट है, लगा सब लोग पैसा कॉन्ट्री करते हैं और लीक करते सही ना, सब पास हो जाएंगे। हाँ, पागल हो गया, पागल हो गया। तो एक बंदा बोलता है निखिल तेरे लिए कॉल सेंटर का जॉब रेडी है, उस टाइम 7-8 में बहुत पॉपुलर था। हाँ हाँ हाँ, कॉल सेंटर का जॉब हो जाएगा। तो मैंने बोला इट्स सो ईजी, ऑल ऑफ यू गाइज आर लीकिंग पेपर, अगर हम सब करेंगे तो अलग अलग पैसा क्यों देना। मैं बहुत प्रैक्टिकल था उस चीज़ तो लीक करके ही पास होना है तो इससे अच्छा अच्छे से पास हो। तो वो बहुत दो चार लोगों ने मजाक उड़ाया था, तो मैं ये बोल के कहा था तुम लोग सब सड़ोगे, तुम लोग की मैंटेलिटी ना पोअर मैंटेलिटी है, कि तुम लोग कोने में रह रहे के सब चीज़ करते हो, खुल के करोगे ना, चौड़े में करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, शायद तुम लोग पास हो जाओगे। तो मैं इतना ईगो पे ले लिया मैंने, मैं इंटरव्यूज देना चालू कर दिए, और मैं फॉर्चुनेटली जेट एयरवेज में सेलेक्ट हो गया था, मुझे निकाल दिया था बिकॉज वो कॉलेज की तरफ से था। तो मैं खुद बाहर जाके मैंने कतर एयरवेज का इंटरव्यू दिया था, हम तीन लोग ही सेलेक्ट हुए थे, मैं भी था उसमें से। एंड उसके बाद होटल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी टफ लाइफ, एंड जो वो 5 साल बाद फिगर्स बना रहे थे या जो लोग ने शायद छोड़ के कोई और चले गए थे, वो मैंने शुरू के 1-2 साल में घर वर ले के सब सेट हो गया था। ओए, ओए। तो बहुत ये था। और बाद में मुझे मेरे कॉलेज से इनवाइट आया था पाजी। तो 9th क्लास की बात है, और हमारा SDPS स्कूल था, अभी तो कोई टीचर वीचर भी हो सकता है मेरे को देख रहा हो बहुत। हाँ, सारे। तो उसमें क्या होता था ना, तो दिवाली के टाइम पे हम गोले बम वोले बम बैग में छुपा के लेकर जाते थे, सारे बैग वैग चेक होते थे लेकिन ले जाते थे किसी ना किसी तरह। तो क्लास में फोड़ते थे, ये है वो है, तो भाई अब जो फोड़ता था ना, कि बाद में लंच में डिस्कस होता था, भाई वो सेकंड पीरियड में सुना तेरे भाई ने फोड़ा। अच्छा। 3-4 दिन से डिस्कशन चल रहा है, मतलब अच्छा भाई बढ़िया बढ़िया, मतलब यार क्या करूं ऐसा कि खत्म एंड हो जाए, स्कूल उड़ा दूं। हाँ, मतलब कुछ ऐसा कि भाई तगड़ा ही कर दूं। मैंने एक बंदा सेट करा, मतलब भाई रिसेस में ना, मेरे को रिसेस से 2 पीरियड पहले मेरे को एक बैग में मैंने 50,000 बम्बोली लड़ी वो मंगा, और मेरे को क्या था, मेरे को शुरुआत से किराने की दुकान है अपनी, तो अपने को पता कि अगर बत्ती जो जलती है ना मच्छर मारने वाली, कितने टाइम में पूरी जल जाती है। ओके। अगर बत्ती मैं लेकर आया, लड़ी मैंने 3rd पीरियड में उठा ली, लंच से 1 पीरियड पहले मैं छत का जो वो होता था ना टेरेस का, लोहे वाली ग्रिल लगी होती थी, वो शटर वाली नहीं होती ऐसे वाली, तो ग्रिल लगी होती थी, ताला लगा होता था, टाप के मैं गया ऊपर, मैंने पूरी लड़ी बिछाई पहले और अगरबत्ती जलाई, कोने में सुरली बांध दी, वापसी नीचे आ गया, उसके बाद भाई क्लास में बैठ गया आराम से, अभी बजेगी भाई बजेगी, टाइम के हिसाब से देख रहा कि बजेगी बजेगी बजेगी, टाइम भाई 5 मिनट ऊपर हो गया। हाँ। यार ये तो इससे तगड़ी बेइज्जती तो शायद ही कभी हो सकती है, इतनी मेहनत कर ली भाई। मैं दोबारा मतलब देखने जाऊंगा, और 10 मिनट रह गए थे रिसेस होने में, अब अंदर से आ रहा है जाऊं पता चले फंस जाऊं, ये हो गया वो हो गया, होता ना चोर चोरी करते नहीं पकड़ा जाता, दोबारा जाता ना कुछ उल्टा काम करने फिर पकड़ा जाता है। जैसे ही मैंने मैम को बोला ना, मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, इतने में वो लड़ी बजना चालू भाई, और लोगों को लगा कि वो होगी 6-7 रुपए वाली, वो छोटी वाली। हाँ। वो बजती जा रही है बजती जा रही है, कम से कम 5-7 मिनट, और मैं ऐसे खड़ा हूँ मैम के आगे। सलीम भाई, एक महंगा ठग लाइफ है, बताओ। तो वर्ली एट्रिया मॉल, उसके सामने जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पर एक गाड़ी पार्क है, R1। ओके। 20 लाख की बाइक है। ओके। उस टाइम पे मेरे जेब में 20,000 भी नहीं, ठीक है। और जैसे
हाय हेलो वाले दोस्त होते हैं, वैसे वो दोस्त की बाइक थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उस बाइक पे बैठ के फील लेना चाहता था कि वो क्या फील होता है। ठीक है, उसने मेरे को बोल दिया कि भाई खुद की खरीदना तब बैठना। मैंने बोला भाई, और वो सेंटेंस, बस वो एक सेंटेंस तब सुना और उसके बाद काम करते गया। ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने बाद वही R1, थोड़ी सी महंगी वाली, 21 लाख रुपए वाली मेरे पास। मेरे को एज अ थग लाइफ अगर मैं कोई स्टोरी को काउंट करूंगा तो आई थिंक वो जट की स्टोरी होगी, बिकॉज वो बहुत रिश्ता भाई। बहुत रिश्ता उसमें उतना तो। थैंक यू यार, कांग्रेचुलेशन कर रहा था। अरे अपन ये राइट आ, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, गेमिंग सेगमेंट में, लेवल अप। सो वेलकम टू लेवल अप गाइस। सो सिंपल से गेम्स खेलेंगे एकदम, ठीक है। पहली गेम का नाम है ब्रीद एंड बॉल। ओके, इसमें दो टीम्स रहेगी, मेरी एंड जड भाई की टीम, आप दोनों की टीम, ठीक है। पहला गेम कौन खेलेगा आप में से? आप, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके लिए आप चूज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, देखने में ऐसा लग रहा है इसको पीना है। नहीं, पिंग पोंग बॉल्स है आप दोनों के सामने, फूंक मार के एंड तक लाना है। अगर वो बॉल गिर जाता है, समझो यहाँ पे गिर गया, तो एक कप पीछे से शुरू करना है, ठीक है। एंड जो भी हारता है ये राउंड, उसे एक डेयर करना पड़ेगा, जो कि इसमें है। वो स्टार्ट करते हैं पहला राउंड, ठीक है। खत्म, अब आ जाते हैं। वो दोस्ती आ रही, मुंबई वर्सेस दिल्ली, हियर वी गो, मुंबई वर्सेस दिल्ली। चलो 3-2-1 गो। बाजी, हाँ, नाइस नाइस नाइस, ग्लास मत गिरा देना, गया इससे पहले से। सही सही, वैसे कर उसके ऊपर। हाँ, अरे पाजी, इधर लेके आ, उधर लेके आ, मार अच्छे से, फूको फूको, उधर मत देख, उधर मत देख, कर दे, पानी खाली हो गया आधा, गुफा गुफा ला दिया, गया पीछे। देख मेरा उधर है भाई, दो आगे चला गया यार उसका, एक ही बारी में। नहीं नहीं, एक एक आ रहा है। आप करो, आप करो, सलीम की स्ट्रेटजी अच्छी है, वो हार गया, उसका लॉस, उसका लॉस, वो उसका लॉस है यार। यहाँ पर सलीम, नहीं स्ट्रेस नहीं, कर दे रहे भाई। अरे यार, दोनों साइड से मेरे क्यों खराब हो रहे? ये कोई नहीं जीतने वाला। लो भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, तू टेंशन ना ले, मैं पानी। बढ़िया 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 बढ़िया, स्टार्ट है दी, चल चल चल, पानी बनाओ बनाओ, पैक बनाओ मस्त। हां, तू टेंशन ना ले, तुम्हारा भाई है। ओ, स्लो एंड स्टडी, भरो भरो भरो, वाह, इनमें डाल दो। अरे यार, ओ ओ, कमाल कमाल, इनमें फिर डालते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, कर दो भाई, कर दो अब। वेरी गुड, वो खत्म, एंड हो गया। नहीं नहीं, एक और है ना। हाँ, मतलब उनको डरा रहा हूँ थोड़ा, इनका एक ही बचा है। रुक जाओ, इसको थोड़ा और बढ़ता हूँ ना, इसको थोड़ा कम करता हूँ ताकि बैठ जाए। ये होता है सरदार जी। चलो चलो। क्या बात है, दोनों हम लोग टाइम पास के, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए किया। टाइप अ व्हाट्सएप मैसेज विथ योर नोज एंड सेंड इट योर मैनेजर फैमिली मेंबर। हैं, हाँ,
मम्मी को मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ क्या? कि आ रहा हूँ खाना खाने को। ओके। इतना बड़ा भाई नाक ऊपर जा रही है। आई लव यू करके छोड़ दो। मैं कट तो कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ अली माय डियर, तू नाक को ऐसे से घुमा कुछ तो आ ही जाएगा। अरे धीरे धीरे प्यार से। हाँ। भाई निकल गया यहाँ से। क्या निकल गया? आई एम कॉल लग जाएगा। कॉल लग गया। आ गया मम्मी का कॉल। कोई नहीं इट्स ओके। लेकिन मैं टाइप किया। बहुत बढ़िया ट्राय। अब आ गया तो उठाना पड़ेगा। अरे मम्मी मजाक चल रहा था, यहाँ पर नाक से टाइप कर रहा था। तो राउंड टू में स्वागत है। मेरे को लगता है पहले राउंड का डेयर नहीं देना चाहिए था, जो हारता ना उससे साफ करवाना चाहिए। पूरा साफ करवाना। और बच गया। ठीक है, विनर कौन काउंट होगा? यही होगा विनर तो ऑब्वियस है भाई। स्टार्ट मैंने किया था। ऑब्वियस क्या? ऑब्वियस पैक बना रहे थे, मैंने जिताया। लेकिन उसमें कितनी मेहनत थी, पानी बराबर रखा तभी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई ले लेते हैं। चलो ठीक है। सेकेंड राउंड काफी सिंपल है। डेक ऑफ कार्ड्स है दोनों टीम्स के लिए। इसमें मैं और निखिल भाई खेलेंगे। तो ये आपका डेक है, ये मेरा डेक। आपको शफल करके कोई भी चार कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 आप भी निकाल लो। 1 2 3 4 अब बस सिंपल सा गेम है, डेक साइड में रख दो। ओके। सेम नंबर के कार्ड्स आपको डेक में से निकाल के सामने रख देने हैं। हाँ। तो बहुत सिंपल है। बट ये आपको करना है नोज से, इसलिए इसका नाम है नोज डेक हंट। ठीक है, चलो आज बड़ी नाक काम में आ जाएगी। सेम स्टार्ट करते हैं। चलो 3 2 अच्छा बात। दो किंग आया, दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है, 6 5 2 4 8 करना है। 4 यस, चालू हो गया टाइमर। चालू हो गया भाई, मुझे दिखेगा तो बोलना। रुक जा, ये कैसे फैला है? आधे नॉर्थ भेज दिए, आधे साउथ। दो के पास 4 4। ठीक है चलो पप्पी हो जाएगी। निकल जाओ जल्दी 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 कॉर्नर से ले जाओ। कट मारो जैसे बाइक को। अच्छा और क्या? नौ है। फैलाओ। 1 किधर है? 9 10 के नीचे है। ले जाओ हो गया एंड है। नीचे ये भाई एंड हो गया भाई। हो गया भाई, हो गया। नहीं सही से नहीं लगा, ये कैसे लगा? ये मारा ही नहीं जाएगा ये। भाई मैं बताता हूँ, कर दो। हो गया, हम जीते। अरे ये क्या यार, हमारा लाइन में अलाइनमेंट में तो है, तुम्हारा टेढ़ा वड़ा लगा हुआ है। स्पीक इन दीपक कलाल एक्सेंट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सही बन गया, ये तो इसका फेवरेट पार्ट आ गया भाई। ये तो फेवरेट आ गया। अच्छा, यही तो मुझे चाहिए था। अच्छा वाला बढ़ते हैं अगले राउंड में। वेलकम टू राउंड 3, फाइनल राउंड। जो फाइनलिस्ट खेलेंगे निखिल भाई और प्रभजोत भाई, हेल्प करेंगे हम। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं दोनों राउंड जीत के भी क्यों हारा हूं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यू आर बाजीगर। हार के भी हारा है इधर भाई। चलो तुम लोग ठीक है भाई, सब लोग कमेंट करना महेश बाजीगर। बाजीगर, आई सी व्हाट यू डिड देयर। महेश बाजीगर कमेंट करो यार। एक ठग लाइफ सेंटेंस आ रहा, रुक जा। भले तू गेम हार रहा है, शो तो जीत रहा है ना। वो तो गेम का नाम है नर्फ डायनामिक डैश। एक टाइप से रिले है। आप दोनों फाइनलिस्ट के सामने बॉटल्स है, बॉटल फ्लिप करनी है। दोनों बॉटल फ्लिप करके सेकंड आपको ये कैंडीज की ओर आना है। एक 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 कैंडी उठा के सेम कलर की एक एक ग्लास में डालना है। 10-10 जमा करनी है, एक बार में एक ही उठा सकते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद नर्फ गन के पास आना है। नर्फ गन में ये गोली भरना है एंड सामने कप्स है। ओके, आपको कौन सी रेड ब्लू क्या चाहिए आपको? ब्लू गैंग। ठीक है, ब्लू रेड अपने को रेड उड़ाने। कोई डाउट नहीं। 3 रेड। तू आजा भाई, तेरे को क्या ही डाउट रहेगा, अपन तो देख। भाई उतारने दे, अभी जीतना जरूरी है, ये इज्जत पे बात आ गई। खेलने वाले नहीं उतार रहे थे, देखने वाले। अरे हम लोग ने वैसे ही पहना हुआ है, देखना। ठीक है चलो, हम लोग एक्स्ट्रा मार के आए। चलो 3 2 1 गो। आराम से। ओए मोंजट,
जट एजम किधर हुआ है? वो गिरा तो गया, गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कम ऑन। अरे 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 ये चीटिंग करता है। एक हो गया? अरे तो वैसे ही पड़ा है। अरे यार लव महल भाई आ जा, जा जा भाई एक कुकर एक मैं करता हूँ थोड़ा। अरे भाई उधर जेम्स भरा। वो हो गया, हो गया दूसरा। अरे वो लिखे गो 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 येलो ही डालते रहे ना, चीटिंग करते हैं। कम ऑन। नर्व गन में अटकने वाला निखिल भाई, क्रॉस चेक करना है। भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। अभी बोलना नहीं बोलना चाहिए था भाई। ये कैसे डालते हैं? ये पहले या ये पहले? अरे गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। खो गया ग्लास ही चेंज करता हूं। लाओ इधर लाओ, हर गेम मेरे को करना पड़ा हर गेम। भरो भरो गोली भरो। अबे क्या, एक तो तुम लोग मैंने ही गिराया, हटो। जान की बाजी लगा के गोलियां पकड़ रहा। हो गया। मैं भूल गया दीप। टाइम टाइम हो गया, नीचे कैब वेट करिए, घर निकल जाओ। पढ़ना तो मुझे ही है ना। इसमें लिखा है सेल बॉक्स ऑफ अ राइडर मेंशनिंग दैट हाउ दिस बॉक्सर्स विल हेल्प टू इंप्रूव देयर राइडिंग स्किल्स। बॉक्सर, बॉक्सर चड्डी लाओ भाई। अच्छा मन से बेचो, समझो ये चड्डी है, ये आपको बेचनी है निखिल भाई को। ये आपके लिए मैं लाया चड्डी, और इस चड्डी में पहले क्वालिटीज बता दो। पहली क्वालिटी, इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, छोटे छोटे पोर्स हैं, हर तरफ से हवा जाएगी। दूसरी क्वालिटी, रैशेज नहीं करेगी। एक्चुअली हम जब भी राइड करते हैं चड्डी टाइट हो जाती है, हम इधर उधर खींच सकते हैं, रैशेज हो जाते हैं ना, ये चड्डी इतनी ढीली है कोई रैशेज नहीं करेगी। क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे सर? प्लीज सर। खरीदा तो नहीं चाहूंगा, बड़ा भी इतना प्यार से बेचो तो ले लेता। अरे रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। आई थिंक दैट्स इट फॉर लेवल अप। कंग्रेचुलेशंस निखिल भाई। थैंक यू भाई। एंड आप सब के लिए हमने थोड़े गिफ्ट्स का इंतजाम किया है। अरे गिफ्ट्स लाए जाए इनके लिए। ये प्रभजोत भाई का है। अरे सबसे बड़ा गिफ्ट। हां ऐसा तो नहीं डब्बे के अंदर डब्बा होगा। खोलो तो सही। ये एमएसके भाई के लिए, ये निखिल भाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आप पहले खोलिए फिर थैंक यू बोलना। सब बोल सकते। क्या चीज है ये भैया? अच्छा आपने पहले खोल ही लिया। आपका बाहुबली वाले वीडियो में हथौड़ा गिर गया था तो इसके लिए ये हथौड़ा। थैंक यू निखिल भाई। आपको बाल सेट करने की बहुत जरूरत है व्लॉग्स में तो उसके लिए कंघी का सेट। थैंक यू, थैंक यू। ये लगेगा यहाँ। रात को महेश भाई मंदिर गए थे, वहां से मेरे लिए लाए चप्पल। क्यों आप चोरी की पहनते हो ना, तो मैंने वैसे ही लाई आपके लिए, लेकिन थोड़ी तो और अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। जट भाई, निखिल भाई, एनएमएसके भाई, बहुत टाइम से सोच रहे थे एपिसोड करने का, एंड फाइनली फाइनली कर लिया एपिसोड। बहुत मजा आया। हैम्पर्स लव इनके लिए, एंड ये लेयर्स की स्किन भी आपके लिए गिफ्ट है, आपको जो पसंद थी वो वाली। निखिल भाई यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। सलीम भाई आपके लिए, थैंक्स फॉर कमिंग। एंड यू स्किन। वीडियो पसंद आया लाइक करो गाइस, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट लेयर्स। आपके पर्सनल फोन या लैपटॉप की स्किन टोटल मेकओवर कर सकते हैं आपके फोन या लैपटॉप का। layers.shop पे जाके जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। आप बोल दो अपना आउट्रो।
वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विद अस एज ऑलवेज. शुक्रान विद मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आवर लवली फ्रेंड्स आर यूज़र्स, मेरे को शबके टेक केयर, बाय बाय. और कमेंट्स में लिखना महेश बाजीगर. तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा. यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा. मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. बाय 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 बाय. सबको बोलना है थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे. आई विल सी यू सो नेक्स्ट. लव, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़. लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम. चलो चलो भाई. मेरे अंदर ना ये सब चीजें बहुत है, मतलब अगर कोई इंसल्ट कर दे और भाई मैं रोस्ट किया बुरा नहीं यार. तुम्हारा बहुत मुलायम रोस्ट है. मालूम पड़ा एक हफ्ते बाद इधर बैठा है. गेस्ट बन के तुम ही आ रहे हो. शुरू हो जाए. फंस गया रे मेरे में, ऐसा लग रहा है ठगेश फंस गया. निकालना पड़ेगा.